अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इश्फाक डार। नाज़रीन, क्योंकि आज दूसरी ईद है और दूसरी ईद के हवाले से आज हम बाज़ारों की गहमा गहमी जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। और सियाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में जहां एक मशहूर बाज़ार है, टंगमर्ग का बाज़ार है, और यहां पर आज हम बच्चों के साथ बात करेंगे, वालदीन के साथ बात करेंगे, क्योंकि आपने बखूबी ईद उल फितर जो है खुशी के साथ मनाई होगी। लेकिन जिस मकसद के लिए यह रमज़ान जो है, यह 30 रोज़ों पर मुश्तमिल जो रमज़ान था, मुतबरक अय्याम में जो आप पर जिम्मेदारी आयद होती, वो जिम्मेदारी आपने को भी निभाई होगी, चाहे वो सदके फितर के हवाले से हो, चाहे वो जकात के हवाले से हो, या बाकी मामलात के हवाले से हो। दूसरे रोज सियाती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में मौजूद है और आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि एक वाहिद बाजार है सबजन गुलमर्ग का, जहां पर लोगों की काफी तादाद जो है और साथ साथ में बच्चों की तादाद जो है यहाँ पर आती है। और जिस तरह से बच्चों ने भी आज यहाँ पर सुबह से ही जो एंट्री फीस यहाँ पर होता है, बाद टिकट काट के पार्किंग में जो है किस तरह की सहूलियात है, और वालिदैन के लिए क्या मैसेज रहेगी, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी वालिदैन की तरफ से, आइए सबसे पहले आज के रमजान स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करते हैं वालिदैन से ही, कि इस ईद पर लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, और खासकर वालिदैन जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वालिदैन पर आयद होती है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि माशरे में जो ड्रग्स की बिदात है उससे हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल बच्चे जो है दूर रहने चाहिए, उससे हवाले से आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस प्रोग्राम में वालिदैन से ही। आपका इस्तकबाल है गुलिस्तान न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में, आज दूसरी ईद है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कहाँ से आप आए हैं और टंगमर्ग के बाजार में आप हैं, क्या कहेंगे हमारे नौनिहाल बच्चों के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सभापुरम में रहता हूं और यहां पर म्यूनिसिपलिटी में काम करता हूं एज ए टैक्स सुपरवाइज़र जी, और मेरी ड्यूटी है यहां पर इस पार्क में बच्चों के साथ इनको घुमाना यहां और उनको उन चीज़ों से बाहर रखना है, ये मेरा भी फ़र्ज़ बन जाता है जो काम गलत हो। इसमें सबसे पहले आज के जो बच्चे हैं बहुत सारी बिदात में मुबतला हुए हैं, उन बच्चों को उनके माँ बाप पर यही जिम्मेदारी है कि वो इनकी तरफ खास तवज्जो दे, ताकि ये देखें कि बच्चे कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करें, गलत रास्ते पर ना चलें, राइट वे जो है उनका वही इस्तेमाल करें। और हमें अपने साहब जो म्यूनिसिपलिटी के साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इस प्रोग्राम में बच्चों की तरफ खास ख्याल रखो, उनको गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त न दे दो और उनको नसीहत कर लो किस तरह चलना है, किस तरह आप ठीक रहोगे, और आप समाज के इस वक्त मेहमान हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि ईद उल फितर जो है बड़े खुशी से मनाई होगी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को सबसे पहले जो है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें, लेकिन दीनी तालीम पे उनका बेहतर जो है फोकस रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उस मामलात से अवेयर हो जो मामलात हमारे रोज़मर्रा के आँखों से गुजरते हैं। इस हवाले से मजीद आपसे जाना, क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि गुज़श्ता सालों भी हमने देखा कि बहुत सारे हादसात हुए हैं, जो ट्रैफिक हादसात होते हैं, ड्रग्स की में मुलज बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे एज ए पेरेंट? सबसे पहले पेरेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उनको जो पैसे दे रहे हैं खर्च करने के लिए जी, उनका हिसाब लिया जाए, चाहे आपने 10 रुपये दिन में खर्च किए, चाहे 1000 रुपया खर्च किए, पहले एक बात सुनना चाहिए, खास ख्याल इसका रखना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है उसकी तरफ खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसी नसीहत करनी चाहिए जैसे कि सब बच्चे जो हैं एक जैसे होने चाहिए, और मैं यही कह रहा हूँ कि एक माँ बाप पर फर्ज बन जाता है, एक तो एक बात फर्ज बन जाता है कि वो उनको साथ चलना चाहिए, देखना चाहिए, अगर मैंने बच्चे को 10 रुपये दे दिए इसलिए इस पर कहाँ कहाँ पर खर्च किए, कोई गलत रास्ता मत इख्तियार किया, कोई गलत चीज मत इस्तेमाल की, जिसके लिए माँ बाप ही ज्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि तो आप मानते हैं कि जो गुलिस्तान न्यूज ने आज ये स्पेशल इशू चलाया है ईद के हवाले से, वालदीन तक, बच्चों तक उनके साथ बात करना, ये उनके मामला जो है हुकाम तक पहुँचना, किस हद तक ये आपकी पजीराई हो रही है? मेरे ख्याल में गुलिस्तान जो न्यूज है ये अप्रिशिएबल है, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और इस माशरे को बिदात से बचाने की कोशिश की। बहुत से मीडिया जो हैं, खासकर ये गुलिस्तान मीडिया, ये हर वक्त दिन ब दिन और हर वक्त हर जगह पर इन बिदात के खिलाफ काम करते रहते हैं,
और मैं इनका शुक्र गुज़ार हूँ कि आज इस पार्क में ये आए और बच्चों को ऐसे इस खुशलबी असलूबी इसके साथ नसीहत इनको की कि बच्चों किस तरह चलना चाहे, कैसे आप अपनी ज़िंदगी बनाओगे, कैसा कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता गलत है, इनकी तरफ ख़ास ख्याल किया जाए। ताकि ये सबसे पहले मैं आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ दिस गुलिस्तानी। उसके साथ कहते हैं कि ईद आपके लिए मसरत का पैगाम लेके आई होगी और खुशी शादमानी का पैगाम लेके आई होगी, जरूर हम ये भी कहेंगे, लेकिन साथ साथ में बार बार ये कहते हैं कि अपने बच्चों का दिया हुआ जो आप खर्चा देते हैं, ईदी देते हैं, उसका भी ख्याल रखें ताकि वो खर्चा जो है उनकी तालीम पे, दीनी तालीम पे और दुनियावी तालीम पे खर्च हो। इस हवाले से मजीद जो हमारे यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनसे भी बात होगी, साथ साथ में जो हमारे नवनिहाल इस पार्क में इस वक्त है उनसे भी बात होगी, क्या पैगाम रहेगा, कितनी ईदी उनने वालदेन से लिए, किस तरह उनने खर्च किए और क्या शौक है उनको आगे जाने के हवाले से। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आप दो रोजमर्रा देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो अवेयरनेस चलाई जा रही है, ड्रग्स के मुखालिफ जो मुहिम चलाई जा रही है, और साथ साथ में हमारे बच्चे जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं वो आजकल पार्कों में जाके मुख्तलिफ मकामात पर जाके उनको जो वहां पर जाके जो है खूब मस्तियां करते हैं। लेकिन उन मस्तियों के साथ साथ हम भी गुलिस्तान न्यूज की तरफ से उन तमाम बच्चों को, उन तमाम वालदेन को ये अवेयरनेस उन तक पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ आप दुनियावी तालीम दें ताकि आपके बच्चों के हौसला अफजाई हो और आगे जाके उनकी पजीराई हो। इस हवाले से आज हम टंगमग में मौजूद हैं और यहां पर बच्चे हमारे साथ हैं इनसे भी बात करेंगे, शुरुआती दौर में इनसे क्या इनके क्या मामला थे और क्या कहेंगे ईद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आपसे जाना चाहेंगे, आपका नाम और कहां से आप? मैं मेहरान जी, रहीपुरा टंगमर्ग जी, रहीपुरा टंगमर्ग से आप यहां आए हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे, आज दूसरी ईद है और क्या कहेंगे हमारे बच्चों के लिए, कितनी ईदी आपको मिली है? मुझे 9,000 मिला है। 1,000 रुपया मिला है? तो किस किस ने आपको ईदी दी है सुबह सुबह? मम्मी ने दी है और अपने दानी ने दी है और दादा ने भी दी है। तो कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है आज आप टंगमर्ग के इस पार्क में आए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए? इनको हमारे इनको सबके साथ खेलना चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए और सबके साथ फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि किसी को लग जाएगी आँख में, इसीलिए। तो जिस तरह से आपने कहा, अपने जो आपके दोस्त वगैरह आपने कहा कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए पार्क में एंजॉय कर, क्या आपको लग रहा है कि आज जो है अच्छी तरह से आपने ईद मनाई, इस बार जो है ईद अच्छी तरह से हुई है? हाँ हाँ। तो अपने जो स्कूल के दोस्त है, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मेरी यही मैसेज रहेगी कि वो अच्छी से ईद मनाए और फजूल खर्ची नहीं करें। तो चलिए, खूबसूरत बच्चों से मुलाकात तो हमारी जारी रहेगी, साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर और बच्चे हैं इनसे भी जाना चाहेंगे, कैमरा में जो हमारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आए। लेकिन आज गुलिस्तान का ये मुद्दा लेकर हम ग्राउंड पर आए हैं और यहाँ पर बच्चों से बात होगी, इस हवाले से आप थोड़ा आगे आइएगा, आप पहले आपने अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान, मैं हाईपुरा से आया हूँ। हाईपुरा टंगमर्ग से आप आए हैं, तो क्या कहेंगे इस ईद पे, ईद उल फितर जो है, सबसे पहले आपसे जाना कि आपने रोजे रखे थे, तो क्या कहेंगे इस ईद पे के मौके पे? ईद पे मैं यही कहना चाहता हूँ, फजूल खर्च नहीं करने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़, यहाँ पर पार्क में लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरफ से घूमने आए घूमो, ऐसे जो कि टीन एजर में लोग जो है बच्चे जो ज्यादा बच्चे जो हमारे होते हैं वो यहाँ पर जो नशे की तरफ रागिब होते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मेरी मैसेज ये है, नशा मत करो, ये अपने माँ बाप के लिए आप धोखा दे रहे हैं, नशा मत करो, कुछ खाओ, कुछ खाओ, नशा वशा ठीक। तो ये अच्छा, इस बच्चे से हमने मुलाकात की तो इनका ये कहना है कि आजकल जो हमारे जो आपको ईदी दे रहे हैं या जो बाकी मामलों को लेकर के आपके पास पैसा दे रहे हैं, आप जो है नशे से दूर रहें, आप मेवा का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ मामलों को लेकर जो आप आगे बढ़ते हैं, आप उस हवाले से भी बात होगी। और यहाँ पर एक और दोस्त हैं, इनसे जाना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे आज? मैं सुलंदा से हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं अली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 8th में। तो क्या कहेंगे आप जो आपके बाकी दोस्त हैं जो ईद पर आए हैं, कितनी आपने यहाँ पर खुशी महसूस की आज के मौके पर? मैंने यहाँ पे बहुत सारी खुशी महसूस की और मेरे साथ 2-3 यार आ गए, आप वहाँ आ गए मेरे सामने, मेरे 2-3 यार मैं उन्हीं के साथ आ गया हूँ, पर वो बहुत अच्छे हैं मेरे। तो क्या हम ये माने कि आज की ईद आपके लिए वाकई ईद हुई है? हाँ, ये ईद बहुत अच्छी हुई हमारे लिए, रोजे भी रखे थे। तो चलिए, कुछ बच्चों से हमने मुलाकात की, इनका यही कहना है कि हमने रोजे भी रखे हैं, आज ईद दूसरी ईद है और इस दिन हमने यहाँ पर पार्क में आके खूब मस्ती की। कुछ और
बच्चे हैं हमारे, खूबसूरत खूबसूरत बच्चे यहाँ पर हमारे नवनिवाले आने वाली पोत जो हमारे हैं, और यही हमारा मुस्तकबिल है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर इस मुस्तकबिल को हम संवारेंगे, इस मुस्तकबिल को हम अच्छी तरबियत देंगे, तो इस मुस्तकबिल से हमारे नवनिहाल जो है, हमारे वालदीन की शान जो है बढ़ जाएगी। आज के ईद पर हमारे नवनिहाल बच्चों से और आने वाले मुस्तकबिल से हम बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे क्या है उनका कहना आज की ईद के हवाले से। गुबरिया क्या चीज का नाव कच रोजाना मिशना उजेर बिशस रोजा द्रुर। अच्छा क्या छ बासा आज चीज पर कोता मजा होई छ मे रोजा मजा। अच्छा कोता वारिया खर्च कोता उसी जरूरत में ईद खर्च मे 1000 रुपए 1000 रुपए क्या करू छ 1000 रुपए आज ईद पर तुम दित मे मोबाइल तुम उमथा 500 मे उन 5 गिनने खतर 7 रुपए। अच्छा मतलब चौनत 7 रुपए खर्च खतर बाकी कत खतर थो छ स्थो मे गरे कम मौजू मे साइकिल। अच्छा साइकिल छन ठीक ठीक तो क्या बाकी लाख बच्चे क्या आज क्या कित पे खर्च कर टास त्रा फूल खर्च कर दर्जगाह पान क्या नाव तो जिस तरह से इस बच्चे ने कहा है कि बच्चों को पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो यही हमारी आने वाली पौध है, इनको हम अच्छी तरबियत देंगे तभी जाके आगे पहुंच सकते हैं। कुछ और भी बच्चे हैं, इनसे भी जाना चाहेंगे इनने यहाँ पर ईद पे किस तरह ये खुशी मना रहे हैं। वन सा कुबरे क्या चुनाव तो कैसे क्या चुनाव रोजान तो कत क्लास पढ़ान थर्डस क्यूँ मजा आव ईद पे लक चीज पे मजा मजा तो बाकी बच्चन क्या वन दर्जगाह पढ़ान वो क्या बाकी पे दोस्तों वन ईज पे क्या पे कर लोकेशन पर जाके हम बच्चों से बात करते हैं, वालदीन से बात करते हैं। आज ईद उल फितर का दूसरा रोज है और किस तरह से हमारे बच्चों ने ये ईद मनाई है और उनसे ही जानना चाहेंगे उनकी तासुरात क्या है इस ईद के हवाले से। और यहाँ पर हमारे कुछ और बच्चे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अरफत फयाज है, हम हरी वटनू से। हरी वटनू टंगमक से आप आए हैं। हमारे नवनिहाल जो है वो ईद के दूसरे मौके पे मुख्तलिफ मकामात पर जाके यहाँ पर जो है शॉपिंग भी करते हैं और अपने लिए कुछ ख्वाब भी उनने दिल में बसाए रखे हैं, उन ख्वाबों की ताबीर भी वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन इनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, गुलिस्तान न्यूज के व्यूअर्स में क्या सुनाना चाह रहे हैं आप? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। बहुत खूब, आपको मुबारक हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफें आप सुनाएंगे। सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, नबी अल्लाह खलील अल्लाह सफी अल्लाह, वला अलिका वा सहाबिका या शफीअना यौम अलजज़ा। जख्मी जिगर में गमत, जख्मी जिगर में गमत, सारे दवा कर पड़ी बस आखर नजर में करता, या रसूल अल्लाह बस आखर नजर में तो हो चलना मैदा दिसारी कसम सितम कर कर मजरूर गमत बसोरी कसम सितम कर कर मरहमा मैं पान कर जे, मरहमा मैं पान कर जे, छय पान ता जिदरी जख्मी जिगर में गम हो, जख्मी जिगर में गम हो, चार दवा कपरी छुई शाक चान हामी, सजदा करान खदाए हसन नबी ताजदारा, छुई शाक चान हामी,
करान खुदाए हेस मन छे सवाल तसो मन छे सवाल तसो हो करतस को बोलो सोरी जख्मे जगर में गमो हो जख्मे जगर में गमो हो सारे दवा कपड़ी बाकी वसना। मेरा नाम है फाजिल मुश्ताक, मैं हरदू माधम से बिलोंग करता हूँ। मैं व्यूअर्स को इतना कहना चाहता हूँ इस में पार्टिसिपेट करे और मतलब ईद का दिन अच्छे से मनाए और मतलब झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करे। अच्छा, और जो 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 आप फोकस करे, किस पे फोकस करना? दीन पे, दीन पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूरी रूद दाग रूद सीनन सानन सुनतन चानन वंदहा पान दूरी रूद दाग रूद सीनन सानन सुनतन चानन वंदहा पान तोब कुर बिदातन रसमन प्राणन सुनतन चानन वंदहा पान तोब कुर बिदातन रसमन प्राणन सुनतन चानन वंदहा पान औलिया तजीम सुनतुक जानन जान कुर तुम वी पान कुर्बान औलिया तजीम सुनतुक जानन जान कुर तुम वी पान कुर्बान अरमान त्यों दी रूद नंद बानन सुनतन चानन वंदहा पान पूरी रूद दाग रूद सीनन सानन सुनतन चानन वंदहा पान सुन्नत चिरावन गफिल कानन दुनवनी आलुमन तुम हैरान सुन्नत चिरावन गफिल कानन दुनवनी आलुमन तुम हैरान वदितन रवितन पननन लानन सुनतन चानन वंदहा पान दूरी रूद दाग रूद सीनन सानन सुनतन सानन वंदहा पान। इस तरह से नाते बहुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नातिया कलाम जो इन्हें सुनाया है हमारे बच्चे जो है जो आजकल दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो दीनी तालीम भी हासिल करें और साथ साथ में दुनियावी तालीम भी हासिल करें। और जिस तरह से आज वादी कश्मीर में जो ड्रग्स के मामला होते हैं मुख्तलिफ बिदात जो है हमारे लोग उनकी तरफ रागिब हो रहे हैं, उनसे वो परहेज़ करें और हमारे बच्चों को इन नौलहाल पौध को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता करना है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। मजीद बच्चों से बात होगी, इनसे गुफ्तगू होगी, इस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम कहाँ से आए हैं? मेरा नाम इरफान रसूल है और मैं गांव पटन से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं ये बच्चों से यही कहूँगा कि वो ये
जो जिंदगी है इनकी, पहले दीनी तालीम होनी चाहिए फिर दुनियाई तालीम भी हासिल। आरज़ू है ये एक ज़माने से जाऊं तैबा किसी बहाने से, कुब्र बादल की उजड़ जाए बादल, सरवरे अंबिया के आने से, कुब्र बादल कुबरे बाद की उजड़ गए बाद, सरवरे अंबिया के आने से, अल्लाह 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 का मरहुबा टुकड़ा, एक उंगली के बस इशारे से, मैं की की फिजा है चारों तरफ, मेरे आका के मुस्कुराने से, आरज़ू है के एक ज़माने से जाऊं तैबा किसी बहाने से। आखिर में इशारा अर्ज करना चाहता हूँ कि बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। तो चलिए इस तरह से हमारे जो बच्चों के साथ आज की मुलाकात थी सियाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में, हमने सुबह से ही शुरुआत की थी कि वादी कश्मीर में जिस तरह से आज दूसरी ईद जो है मनाई जा रही है, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है गुलिस्तान न्यूज़ का जो बच्चों के हवाले से था, क्योंकि वालदेन जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने की और उन्हें नाते कलाम जो है वो सुनाए है, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ईद का दूसरा दिन है और ईद के रंग बच्चों के संग हम लेके आए हैं आज प्रोग्राम जो हमारा ईद का दूसरा रोज है। देख रहे होंगे कि हमारी बेटियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, हर मैदान में हमारी बेटियां जो है वो पेश रहती है, इस वजह से बेटियों से ही बात होगी। नाव तो कचूल इरम कच रोजान काजीपुरा टंगमर्ग तो कोता मिले ईज कर जस क्या कुरु तुम पंद पांच हम स पांच अन तेल तो क्या ऐसे बाकी वेसन ये आज वन वन क्या पजन तुम फजूल खर्ची पज क्या कर क्या पज पोसन कर पचा बचा क्या चीज आया इस ईद पे कितना मजा आया आपको बहुत क्या नाम है आपका सुनोबर मुश्ताक सुनोबर मुश्ताक किस स्कूल में आप पढ़ते हैं गवर्नमेंट गुल्लत मिडिल स्कूल सुलिंदा टंगमर में फजूल खर्चा नहीं करनी चाहिए अच्छा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए पैसों को बचाना चाहिए तो चलिए यहाँ पर बच्चों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जो वालदीन की तरफ से ईदी मिलती है बहुत सारे बच्चों ने वो ईदी बचा के रखी है अपनी तालीम के लिए, उन्हें ये पैसे जो है आगे जाके इस्तेमाल करना चाहते हैं। चंदी लुरा से मैं यही कहना चाहता हूँ ईद पे आते हैं हमें अच्छी तरह ईद मनानी चाहिए, घर वालों को कोई टेंशन नहीं करनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हमें उतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हमें घर वालों का सोचना चाहिए वो कैसे कमाते हैं हमें पता नहीं है जी। तो आपको इस ईद पे कितनी ईदी मिली है? मुझे मिली 1500 अभी। अच्छा, तो कितना खर्चा आपने किया सर? अभी 500 खर्चा हुआ। अच्छा, तो क्या बाकी बच्चों के लिए आप कहेंगे इस ईद पे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उतनी फजूल खर्ची मत करें, यहाँ से सर क्लास इंसान चढ़ता है तो अपनी बुक्स ले आए या और बहुत सारे कपड़े होते हैं वो लाएं, घर वालों पे इतना प्रेशर मत डालें ये खर्च करके अपने आप पे।
ठीक, तो चलिए बच्चे ने खूब बात यहाँ पर कही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि आपके वालदेन जो है उनका जो है आपसे काफ़ी रिश्ता बना हुआ हो, तो और उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। इससे यही कहा कि हमें ईदी मिली थी लेकिन उसमें से बेहतर जो ईदी है उन्हें बचा के रखी अपने तालीम के लिए, और ये भी कहा है कि अपने वालदेन पर बोझ नहीं बनना चाहिए, उनका इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे माशरे में जिस तरह से अभी जो मुख्तलिफ मामलात को लेकर जो बिदात बढ़ रहे हैं उन्हें कम करने के लिए हमें अपने वालदेन का साथ देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा, और इस प्रोग्राम को आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। दीजिए अपने मेजबान इश्फाक डार को इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगेबान।